नमस्कार दोस्तों, ये है सूर्या कंपनी का एलईडी बल्ब। तो ये जल नहीं रहा है, तो सबसे पहले इसको चेक करके दिखाते हैं। तो बोर्ड में दोस्तों इस तरह से इसको लगा दिया है, नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले इसको खोल लेना है इस तरीके से। देखिए, इसको खोल लिया है हथौड़ी की मदद से। इसके बाद में इसको फिर से एक बार सीरीज बोर्ड में लगाना है। देखिए, इसको इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद में क्या करना है, इसके जो प्लस माइनस के वायर हैं इनको इस तरह से टच कर करके हटाना है। अगर चटर चटर की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए इसकी जो एलईडी ऊपर ख़राब है। अगर नहीं आती है तो समझ लीजिए इसका ड्राइवर ख़राब है। तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसका ड्राइवर ख़राब है। तो इस तरह से इसको होल्डर से हटा लेना है। इस तरीके से इसके होल्डर को हटा दिया है। चलिए अब इसके सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से इसके सर्किट को बाहर निकाल लिया है। चलिए फिर इसको एक बार चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों, आप इसका सर्किट जब भी रिपेयर करें तो एक बात ध्यान रखना है, इसको हमेशा सीरीज बोर्ड में ही चेक करें, क्योंकि सीरीज बोर्ड में चेक करने से इसमें जो फॉल्ट होता है तो इसके बल्ब है वो जल जाएगा और फॉल्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड में इस तरह से मैं लीड को लगा दिया है। देखिए, इस तरह से इसका बल्ब है वो जल जाता है। तो इसके सर्किट में देखिए, इस वायर को लगाया तो बल्ब है वो लगाते ही जल जाता है। तो मतलब इसका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया है। अगर आपके एलईडी बल्ब में ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों, जो नीले रंग के, देखिए जो नीले रंग के जो यमोबी दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनके एक एक पिन को बाहर निकाल लेना है। क्योंकि जैसे ही बिजली के वोल्टेज बढ़ते हैं तो जो यमोबी इसमें लगा हुआ होता है वो शॉर्ट हो जाता है और ये फॉल्ट कर जाता है। तो चलिए, इसकी एक एक पिन को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसमें दो यमोबी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इस वाले यमोबी की एक पिन को इस तरह से बाहर निकाल लिया, उसके बाद में दूसरी वाली यमोबी की इस तरह से दूसरी पिन को इस तरह से हटा दिया है। तो चलिए इसको फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। मेन लीड के वायर को सर्किट में लगाते हैं। देखिए, एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल ही ठीक जल रहा है, जो सीरीज बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो दो यमोबी लगी हुई है, इसमें से एक यमोबी खराब है। इन दोनों में से एक यमोबी खराब है, इसीलिए ये शॉर्ट बता रहा था। तो चलिए मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं कि कौन सी यमोबी इसमें शॉर्ट है। तो सबसे पहले इसमें दोनों यमोबी को बाहर निकाल लेते हैं आयरन की मदद से। तो बारी बारी से दोनों यमोबी को बाहर निकाल लिया है। चलिए अब इसमें चेक करके दिखाते हैं कौन सी यमोबी खराब हो गई है। तो दोस्तों, मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस यमोबी को लगाते हैं। देखिए, इसकी सुई है वो चल रही है और इसमें सुई नहीं चल रही है। मतलब जिसमें चल रही है सुई वो खराब है, ये वाली जो यमोबी है ये बिल्कुल ही ठीक काम कर रही है। तो इस यमोबी को उसी ड्राइवर में लगा देंगे, क्योंकि ये यमोबी सही है। तो इस तरीके से यमोबी को उसी में उसी तरह से फिट कर देंगे। उसके बाद में इसको सोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इसको एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो वायर लगा लेते हैं इस तरीके से, नंबर बाय नंबर। उसके बाद में इसके सर्किट को एलईडी बल्ब में फिट कर लेते हैं। इस तरह से फिट करने के बाद में इसको होल्डर में उन्हीं दोनों पिनों में सोल्ड कर देना है। अगर इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है तो उसको हटा देना, क्योंकि वो ख़राब हो गई होगी। उसके बाद में होल्डर को इस तरह से फिट कर दिया है। तो चलिए अब इसको एक बार फिर से चेक करके दिखाते हैं। देखिए, एलईडी बल्ब बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।